TLZ Top 21 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नज़र डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। खबरें अंतर्राष्ट्रीय। पाकिस्तानियों को भी अफगानिस्तान यात्रा से परहेज। इस्लामाबाद के काबुल एयरपोर्ट पहुंची पहली कमर्शियल फ्लाइट, केवल 10 यात्री थे सवार, इससे ज़्यादा एयरलाइंस के स्टाफ की थी संख्या। अफगानिस्तान में पढ़ाई के तरीके में बदलाव, सरिया कानून के विरोध करने वाले सब्जेक्ट्स सिलेबस से हटाए जाएंगे। खबरें राष्ट्रीय। मलबे के नीचे जिंदगी की आस, दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरी, 2 बच्चों समेत 3 लोगों को मलबे से निकाला गया, अभी भी कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस, नहीं छिपेंगे कोरोना से मौत के आंकड़े, डेथ सर्टिफिकेट पर होगा कोरोना से मौत का जिक्र। कश्मीर में पुलिसकर्मी की हत्या, आतंकी ने शरेआम श्रीनगर के बाजार में सब इंस्पेक्टर को 2 गोली मारी। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते सरदार इंद्रजीत सिंह का आरोप, कांग्रेस ने मेरे दादाजी की हत्या करवाई। भारत के 6 राज्यों में 18 प्लस की पूरी आबादी को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगा, कुल वैक्सीनेशन 74 करोड़ के पार। भूपेंद्र पटेल ने लिया गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। खबरें बंगाल से। डबल इंजन मॉडल बुरी तरह से विफल, बोले अभिषेक बैनर्जी। रविवार रात्रि के करीब 11 बजे बाइक सवार बदमाशों ने कोलकाता के व्यवसायी पंकज सिंह के ऊपर चलाई सरेआम गोली, दाएं कंधे पर जाकर लगी गोली। प्रत्याशी को बच्ची कहने पर जुबानी जंग हुई तेज, भवानीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रियंका को फिरहाद हकीम ने बताया था बच्ची। फ्री फायर गेम के कारण युवक ने की आत्महत्या, हुगली जिले के धूलापुर इलाके की है घटना। जलपाईगुड़ी अस्पताल में 140 बच्चे अस्वस्थ होकर भर्ती, जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। महानगर में महिलाओं के सहायता के लिए चालू होगा स्मार्ट महिला हेल्प डेस्क कियोस्क। मणिकटल्ला में युवक की हत्या मामले में सिविल वॉलेंटियर समेत 3 गिरफ्तार। मोबाइल चोरी का विरोध करने पर किशोर के पैर में मारी गोली, बीरभूम के बोलपुर थाना अंतर्गत की है घटना। खबरें खेल जगत से। अपनी कप्तानी में आज तक एक भी टूर्नामेंट नहीं हारे हिटमैन, विराट कोहली ने 9 साल में 3 फाइनल गंवाए। फिर फूटा जोकोविच का गुस्सा, US ओपन में हार के बाद तब तक रैकेट पटका जब तक टूटा नहीं, टोक्यो ओलंपिक में भी नेट पर मारा था रैकेट। खबरें बॉलीवुड से। 11 साल के हुए अजय देवगन के बेटे युग, सोशल मीडिया के जरिए एक्टर ने किया बर्थडे विश। प्रियंका चोपड़ा पर अपनी बुक में लोगों के नाम छिपाकर पूरा सच नहीं बताने का आरोप, एक्ट्रेस बोली लोग गॉसिप चाहते हैं। गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा की लिपस्टिक की शेड नहीं बता पाने पर बोले, मुझे लिपस्टिक से नहीं उसके होठों से मतलब है। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट, टॉप 21 की खबरें भी लेकर आएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट।